आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चीन की चालबाजी को करारा जवाब, आज बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होगा भारत। आज गोरखपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे सीएम योगी। आज लोकसभा में फायरिंग का मुद्दा उठाएंगे ओवैसी, हमला करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सांसद ओवैसी पर हमले के विरोध में देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी एआईएमआईएम। पीएम मोदी आज पश्चिम यूपी के 5 जिलों में 20 लाख वोटरों के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद, अखिलेश, मायावती और प्रियंका मांगेंगे वोट। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड में बारिश और भारी हिमपात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली वर्चुअल जनसभा स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के कारण संगठन स्तर से ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही वर्चुअल सभा आयोजन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की एक एक वर्चुअल जनसभा के आयोजन का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। इसके तहत वर्चुअल जनसभा में अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों की जनता को प्रधानमंत्री ने दिल्ली से संबोधित करना था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 5 फरवरी को उत्तराखंड में 2 स्थानों किच्छा और ज्वालापुर में वर्चुअल सभाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा क्षेत्र किच्छा के साथ ही आसपास की किसान बहुल सीटों के समीकरण को देखते हुए राहुल के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी 5 फरवरी को सबसे पहले ऊधम सिंह नगर जिले की किच्छा पहुंचेंगे, जहां वो मंडी में किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राहुल गांधी हरिद्वार के ज्वालापुर में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। पहाड़ों में हो रही जोरदार बारिश और बर्फबारी के बीच टिहरी के सीमांत विधानसभा घनसाली से बीजेपी प्रत्याशी शक्तिलाल शाह और कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शक्तिलाल शाह ने कार्यकर्ताओं की पूरी टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। खबर ऋषिकेश से है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी 2022 चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षदों और 2 भाजपा के पूर्व सभासदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। वहीं कांग्रेस की सदस्यता लेने के दौरान पार्षदों ने दावा किया कि वो जी जान से मेहनत करके कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर लहर है और आपने देखा होगा, जिस दिन से आदरणीय सजवान जी का आशीर्वाद मुझको मिला, उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था, जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहिए को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, उन्होंने कहा हम युवा प्रत्याशी के साथ हैं। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में 2 वर्ष पहले जनता ने मन बना लिया था, अब की बार हम प्रेमचंद जी से विदाई लेंगे या उनको विदाई करेंगे और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा, उनको सुरवीर सिंह सजवान दिख रहे थे, अब उनको कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ वर्षों वर्षों से जुड़ा था, वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे,
और आज वो कांग्रेस का प्रत्याशी के साथ हैं, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे और निसंदेह हमारी विजय होगी। खबर कलियर से है, जहां हद्दीवाला में भाजपा कार्यकर्ता का उद्घाटन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 110 करोड़ रुपए की लागत से पुल, सड़कें और गांव के गंदे बहते पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण कराया है और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा सरकार में अनेकों काम हुए हैं। वहीं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने आने वाली 14 फरवरी को अपना मतदान भाजपा के पक्ष में डालने की लोगों से अपील की। पिरान कलियर से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है, जिसकी वजह से सैनी समाज के लोगों ने भाजपा छोड़ी, क्योंकि भाजपा सरकार में सैनी सरकार के लोगों की सुनवाई नहीं होती है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। आप आज धनोरा गांव में हैं, यहां पर आने का रास्ता आपने भी देख लिया है, पानी भरा पड़ा है और इस क्षेत्र में विधानसभा के किसी भी गांव में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों में आक्रोश है और लोगों में इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का उन्होंने मन बनाया हुआ है और बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से ये सीट जीतने जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी ने एक बयान दिया है, देखिए ये वाणी है उसका, मैं इसमें क्या कहूँ, वो जनता उसको उसकी जमानत जब्त करने जा रही है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने इसी एक ही गांव को देखा है, आप दूसरे गांव में भी जाकर देखें और सर्व समाज का हमें वोट मिल रहा है, तो जिसकी वाणी ही ठीक नहीं उसको क्या कहा जाए। देखिए सभी, अब सभी समाज जागरूक हो चुका है और खासकर सैनी समाज अब जागरूक है, क्योंकि भाजपा पार्टी ने सैनी समाज का हमेशा इस्तेमाल ही किया है। आज लग ना कोई विधायक देख पाए ना ही सांसद दे पाए, तो इसीलिए अब की बार हम सभी जितने समाज के लोग हैं और सैनी समाज के लोग हैं, हम सभी ने यही ठाना है कि अब। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के समर्थन में लालकुआ पहुंचे कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से हरीश रावत को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। आज हम यहाँ पर वायुमंडल के अधिकतर अधिवक्ता, चाहे वो नैनीताल हाईकोर्ट के हैं अधिकतर, काशीपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रामनगर और लोकल लालकुआ के अध्यक्ष जी के यहाँ पर निवेदन पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे ही विदित हुआ कि राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अधिवक्ताओं ने अपना यह फर्ज समझा कि यहाँ की आदरणीय सम्मानित जनता को बताएँ कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहने का क्या फ़ायदा होता। मैं खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र नारायण दत्त तिवारी जी के काशीपुर में रहा हूँ और उनके जाने के बाद वहाँ विकास ठप हो गया। विधि कांग्रेस कमिटेड है, हम एक अभियान चलाएंगे, इसमें मैनिफेस्टो की अवेयरनेस हम लोगों को देंगे। सबसे बेहतर चीज़ मैनिफेस्टो में ये है कि पर्यावरण को लेकर बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन रखे गए जो किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। पर्यावरण इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उत्तराखंड में पर्यावरण का अगर ध्यान रखा जाए तो उससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा और साथ में वो अल्टीमेटली स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो विधि कांग्रेस अब कमिटेड है और एक हम प्रोग्राम चलाएंगे इसमें मैनिफेस्टो अवेयरनेस चलेगी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और उस प्रोग्राम के तहत हम आपके पास भी आएंगे और हम वेबिनार का भी आयोजन करेंगे। 100 रुपये में सिलेंडर की बात कही गई है, बहुत जायज़ है क्योंकि ये भी प्रपोज किया गया है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो सरकार खुद। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने के बाद भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। भारी हिमपात के कारण पहाड़ों में कई संपर्क भी गाड़ियों का आवाजाही पर रोक लग गई है, जबकि दर्जनों गाड़ियों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है, जबकि मसूरी, नैनीताल समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में बर्फ से सफेदी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है।
उत्तराखंड में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हो पर चिंता भी खत्म नहीं हुई है। कोरोना संक्रमितों के साथ ही मरने वालों की संख्या में भी एक तरह की निरंतरता बनी हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1,618 नए मामले सामने आए हैं जबकि 7 मरीजों की मौत भी हुई है। राहत यह है कि रिकवरी रेट अब सुधर रहा है। कोरोना के 3,306 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि संक्रमण दर 6.30% रहा। जबकि स्वास्थ्य विभाग अनुसार निजी और सरकारी लैब से 25,671 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिससे देहरादून में सबसे अधिक 505 लोग कोरोना संक्रमित मिले। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। वहीं घनसाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घनी लाल शाह आज कल अजीबोगरीब बयान देकर चर्चाओं में है। क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी धनी लाल शाह ने घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे और कहा कि इस बार मुझे घनसाली की जनता से विशेष उम्मीद है। जनता से अपील करते हुए वो कहते हैं कि इस बार मुझे विधानसभा भेजने में वोटर मेरी मदद करे, अन्यथा 11 मार्च को मेरी अर्थी पर एक एक लकड़ी डाल देना। मेरी माता बहनी मेरा दोस्तों से मेरे निवेदन है घनसाली की जनता से, यार इस अपने भाई को एक बार मौका दो, इसको बचाओ और ये भाई आपका विश्वास दिलाऊं चुनाव कि ये भाई विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक, क्योंकि भैया मैं तो बोल रही हूँ ये शरीर आपके लिए और पढ़ लिखी जब हमने शरीर चढ़े जन्मा दियो नहीं चढ़ो ना तब हमने राजनीति जन से चढ़ाए तो ये शरीर आपका है, ये शरीर घनसाली की विधानसभा का है, इसका एक एक खून का कतरा घनसाली की महान जनता के लिए, घनसाली के जो साधन विहीन क्षेत्र है उनके लिए मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र का जो अंतिम गांव है उस तक मैं विकास की धारा पहुंचाऊं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है जिसके पास जय आज भी कुड़ निर्णा जो बहन को आज हमारे आज भी पेंशन नहीं मिल रही, अरे हम दोनों पति पत्नी को पेंशन देने में क्या सरकार क्या दिक्कत हो रही भाई, जब दोनों बुढ़े हो गए एक को आप बुढ़ा मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे, ये गलत बात है। हमारा प्रयास है कि हरीश राव जी ने तो उस समय दोनों पति पत्नी को पेंशन दी। ये सब उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।